नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, क्योंकि अजरबैजान भी एक अच्छी कंट्री है, आजकल एक चलन बढ़ रहा है अजरबैजान जाने के लिए। यहाँ पे हम वीजा भी दिखाएंगे, ऑफर लेटर दिखाएंगे, टिकट भी दिखाएंगे, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप अजरबैजान का वीजा अप्लाई करते हैं वर्क परमिट में तो आपको किस तरह से क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। इस वीडियो में पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए साथियों, ये कोई कंपनी का नाम है, एजरोकॉन्स कंपनी का नाम है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक कंपनी का अग्रीमेंट जिसको आप मान सकते हैं, बंदे का नाम डिटेल सब कुछ इसमें दिया गया है। और जॉब की अगर बात करें तो पेंटर की पोस्ट है इसमें। पेंटर का मतलब होता है ना जो रंगाई पुताई का काम होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में। और सैलरी देख सकते हैं, सैलरी है 1200 अजरबैजान की, जो सैलरी आती है उसके 1200 इसमें दराम 1200 सैलरी इसमें दिखाई गई है। और बाकी डिटेल इसमें है, हालांकि ये 5-6 पन्नों का ऑफर लेटर है, इसको आप चाहो तो पूरा देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगेगा कि आपको इसको देखने की जरूरत है। इसके बाद में आप ये देख ले सकते हैं, ये वीजा है अजरबैजान का, वीजा आपको इसी तरीके से मिलता होगा, अजरबैजान रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। और इसका इलेक्ट्रिक वीजा डिटेल वगैरह सब कुछ दी गई है, नाम, और इसमें वर्क ऑफ टाइप देख सकते हैं, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, वर्क परमिट वीजा के लिए, ड्यूरेशन ऑफ स्टे है इसमें 30 डेज, ओनली इसमें 30 डेज लिखा हुआ है। ये वीजा आपने देख लिया। अब मैं आपको इसकी एक टिकट दिखा देता हूं, ये टिकट है, जी हाँ कंफर्म टिकट है बाकू की। आप देख सकते हैं साथियों, डिटेल आपको दिल्ली से बाकू की कंफर्म टिकट है। अब ये आपने सब कुछ देख लिया, टिकट देख सकते हैं कितनी है, $447 इसमें लिखा गया है टिकट का जी। अब इसमें नीचे आ जाओ जी, ये ऑफर लेटर और दूसरा ऑफर लेटर है जो बंदे ने मुझे डाला था, ये भी आप देख सकते हैं, इसके नीचे आ जाओ बंदे का। अब इसमें बात करें कि भाई ये आपको मैंने दिखाया, अब आपको इसमें समझ में क्या आता है, समझ में ये आपको आना चाहिए कि वीजा का कोई पैसा नहीं लगा, मात्र और मात्र 5000 रुपए। 5000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से दे सकते हो, 5000 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। आपको 1200 अगर अजरबैजान में सैलरी मिल रही है तो 5000 रुपए वीजा का दे दिए। अब आपको लगता है यार वीजा का तो एजेंट कोई पैसा नहीं ले रहा है, अच्छी बात है। टिकट की बात करें तो टिकट का बंदे से लिया गया 30,000, यानी लगभग 37,000 रुपए। अब टिकट का 37,000, अब वीजा तो मैंने आपको दे दिया 5,000 में, अब ये टिकट आपको करवानी पड़ेगी, तो टिकट का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, हम तो वीजा का पैसा नहीं ले रहे। बात तो सही है, 5,000 में आप मुझे जॉब लगवा रहे, वीजा टिकट का पैसा आपने मुझे दे दिया। अब टिकट कंफर्म होने के बाद में बंदा को ये लगा कि यार एक बार अशोक LLP से बात कर ले तो ठीक रहेगा, तो बंदे ने मेरे से बात की। बंदा रेलवे स्टेशन पे था, क्योंकि वो इसमें सुन रहा है ट्रेन की जो हो रहा है ना, वो सुन रहा है मुझे, तो सर मुझे 4 बजे यहाँ से बैठना है, सुबह की मेरी फ्लाइट है दिल्ली से, प्लीज मुझे बताएं। उसके बाद में मेरी उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि सर एजेंट मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। मैं बोला भाई फोन रिसीव क्यों करेगा, अगला वीजा का तो 5,000 रुपए ले लिया है, हालांकि 5 में भी उसने कमाया, वीजा लगभग 1800-2000 का वीजा है ये, मैं मानता हूं, हालांकि ये विजिट वीजा है, परमिट वीजा नहीं है, इसको एडिट करके वर्क परमिट वर्क वीजा लिखा गया है, बाकी है ये विजिट वीजा। इससे आप 1 मंथ स्टे कर सकते हैं अजरबैजान में, 1800-1700 का वीजा करेंसी में, ऊपर नीचे 2000 मान सकते हैं। अब टिकट का पैसा आपने दिया है, कन्फर्म टिकट आपको दी 37,000, मैं लोचा यहां कर दिया, आपने 37,000 रुपए आप दे चुके हो, 5,000 वीजा का दे चुके हो। अब मैं बोला भाई ये गया, ये इसको भूल जाओ। बोला सर मुझे जाना चाहिए। मैं बोला भाई कैसे जाओगे आप, आपके तो वीजा में भी कांट छांट करके रखी है, और यहाँ से आप चले भी जाओ, उनसे आप पहाड़ फोड़ दोगे भाई, आपको तो जॉब के पर्पज से जाना है, घूमने के लिए जा रहे हो क्या। बोले सर ब्याज भी उठा के दिए मैंने इतने 42-43 हज़ार रुपए। तो मैं बोला आप सोच लो समझ लो। तो ये हर किसी के साथ होता है, अजरबैजान से रिलेटेड मेरे पास जितने भी इंक्वायरी आती है सबके साथ ये चिंदी चोर इसी तरह के प्रोसेस करते हैं। आप यकीन मानो, विजिट वीजा पकड़ा देते हैं, हम आपको जॉब लगवा देंगे, आपकी TRC बना देंगे, हमारी सब सेटिंग है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अजरबैजान में बहुत मुश्किल, मैं नहीं बोलता कि 100% है, बहुत मुश्किल रियल चांस में विजिट टू वर्क होता है, होता है, इस बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन 95% लोगों का नहीं होता है। 5% में कंपनी आपको बुला रही है, कंपनी को जरूरत है तो वो कर देगी, वरना तो नहीं करेगी। और सैलरी भी भैया ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये लोग बताते हैं, जबकि अजरबैजान में इतनी तनख्वाह नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो ये थोड़ा बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। अजरबैजान खास तौर से जाने वाले, आपको वीजा अप्लाई करना है तो भैया थोड़ा सा सावधानी बरतें, सतर्क रहें, पहले चेक कर लें, पहले एक चवन्नी एजेंट को न दें वीजा, पहले बोल दें भैया वर्क परमिट होगा, चेक करवाऊंगा फिर तो जाऊंगा, अगर तू ये वीजा मुझे 1800 का देके 80,000 लेने की सोच रहा है तो मैं नहीं जाने वाला, समझ रहे हैं। वहां अगर इसमें भेज रहा है तो वीजा की टिकट तेरी वीजा तेरा, और वहां पे जॉब लगवा दे फिर पैसा ले लो, ऐसा आप कंडीशन रख सकते हैं। बाकी बंदे के गए 42-43 हज़ार रुपये गए, तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए, मैन पावर से अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।